बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स वेलकम टू माय चैनल propakjob.com। व्यूअर्स आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं पुलिस के रैंक्स एंड सैलरी, कि पुलिस में कौन सा रैंक होता है और कौन कौन से रैंक्स होते हैं और इसमें सैलरी क्या होती है, तो कंप्लीट डिटेल आज की इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से एक छोटी सी दरख्वास्त कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल के आइकन को दबा लें ताकि मजीद आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक वक्त से पहले पहुँचता रहे। व्यूअर्स इसके साथ साथ मैं आपको ये कहता चलूँ कि अगर आप लोग ताज़ा तरीन जॉब्स की अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी वेबसाइट को रेगुलर विजिट करते रहें जिसका नाम है www.propakjob.com। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इस पर हम रोज़ाना जॉब्स अपडेट्स करते हैं। तो व्यूअर्स अभी बात करते हैं पुलिस की रैंक्स एंड सैलरीज़ के बारे में। तो व्यूअर्स सबसे पहले अगर हम बात करें कांस्टेबल्स की, कांस्टेबल का जो होता है रैंक वो 7 होता है, स्केल 7 होता है, और इसकी जो सैलरी होती है सैलरी वो अगर बात कर ले तो 35 से 40 हज़ार के दरमियान होती है। इस टाइम 2022 में जो कांस्टेबल की सैलरी है वो 35 से 40 हज़ार स्टार्टिंग होती है। तो इसका स्केल जो होता है वो 7वां होता है। आगे चलते हैं तो आगे आता है जी हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल के बाद आता है हेड कांस्टेबल, इसका स्केल जो होता है वो होता है 9वां स्केल होता है, और इनकी जो सैलरी होती है वो 40 से 45 हज़ार के दरमियान होती है, 40 से 45 हज़ार के दरमियान होती है। उसके बाद आता है जी ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इसका स्केल जो होता है ये होता है 11वां, ठीक है 11वां स्केल होता है इसका, और इसकी जो सैलरी होती है वो 50 हज़ार से लेकर 60 हज़ार के दरमियान होती है। ये सैलरीज मैं आपको बता रहा हूँ अपनी तरफ से, ठीक है कि ये सैलरीज इतनी हो सकती हैं। उसके बाद आता है ASI के बाद आता है जी SI, SI का मतलब होता है सब इंस्पेक्टर, इसका स्केल जो होता है ये 14वां स्केल होता है, और जो इसकी सैलरी होती है स्टार्ट में 65 हज़ार से लेकर 80 हज़ार के दरमियान, 65 हज़ार से लेकर 80 हज़ार के दरमियान आपकी सैलरी इसमें सेट हो सकती है। तो आगे चलें तो आगे आता है जी सब इंस्पेक्टर के बाद आता है जी इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर का जो स्केल होता है वो 16वां स्केल होता है, ठीक है, और इसकी सैलरी अगर हम बात करें तो वो 80 हज़ार से लेकर 1 लाख तक होती है, 80 हज़ार से 1 लाख के दरमियान इसकी जो होती है वो सैलरी होती है। उसके बाद आता है जी DSP, DSP से मुराद होता है जी डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट पुलिस, ठीक है, तो इसकी जो स्केल होती है वो 17वां स्केल होता है, ठीक है DSP का, और ये जो इसकी सैलरी होती है वो 1,20,000 से लेकर 1,30,000 तक होती है, ठीक है 1,20,000 से लेकर 1,30,000 तक होती है। उसके बाद आता है जी ASP, ठीक है ASP, ठीक है ASP का भी 17वां स्केल होता है, ठीक है, और इसकी जो सैलरी होती है वो 70 हज़ार से लेकर 80 हज़ार के दरमियान होती है, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट CSS करके आते हैं तो इसलिए इनकी सैलरीज कम होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें SP का स्केल होता है जी 18वां, SP मुराद होता है सुपरिटेंडेंट पुलिस, ठीक है SP का स्केल होता है 18वां, और इसकी जो सैलरी होती है वो 1,30,000 से लेकर 1,40,000 के दरमियान होती है, 1,30,000 से लेकर 1,40,000 तक। उसके बाद आता है जी SSP से मुराद होता है सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस, इसका जो स्केल होता है वो 19वां स्केल होता है, 19 स्केल होता है, और इसकी जो सैलरी होती है वो 1,30,000 से लेकर 1,50,000 तक होती है, 1,30,000 से लेकर 1,50,000 तक होती है। उसके बाद आता है जी DIG, DIG से मुराद होता है डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर जनरल, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल सॉरी, और इसका जो स्केल होता है वो 20वां होता है, और इसकी जो सैलरी होती है वो 1,50,000 से लेकर 1,80,000 तक होती है, ठीक है। उसके बाद होता है AIG, एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल, इसका जो स्केल होता है वो 21 स्केल होता है, 21 स्केल होता है, और इसकी जो सैलरी होती है वो 1,70,000 से लेकर 2 लाख तक होती है, ठीक है 1,70,000 से लेकर 2 लाख तक होती है। और उसके बाद जो लास्ट रैंक है पुलिस का वो होता है जी IG,
आईजी से मुराद होता है इंस्पेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर जनरल। और इसकी जो सैलरी होती है, इसकी जो स्केल होता है वो 22 स्केल होता है, ठीक है, 22 स्केल होता है। और इसकी जो सैलरी होती है वो 2,20,000 से लेकर 2,50,000 तक होती है, 2,20,000 से लेकर 2,50,000 तक होती है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया पुलिस के बारे में कि पुलिस के जो होते हैं रैंक्स कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनका स्केल कौन कौन सा होता है और उनकी सैलरी क्या होती है। तो कंप्लीट डिटेल मैंने आपको बता दिया व्यूअर्स। तो व्यूअर्स लास्ट में मैं आपको ये कहता चलूँ कि अगर आपको किसी भी जॉब्स की तैयारी के लिए नोट्स चाहिए हो तो नोट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं जो कि हम आपको बाय पोस्ट भेजते हैं और उनकी फ़ीस है। तो व्यूअर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर नज़र आ रहा होगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो व्यूअर्स आज की वीडियो में इतना ही, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।